नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। 2023-2024 का बजट आने वाला है और आम आदमी को इस बार क्या राहत मिलने वाली है, इस बात का इंतजार सभी को रहता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-2024 लाने वाली हैं। आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को कैसे कम किया जाएगा, आम आदमी को क्या राहत मिलने वाला है और मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इन सब बातों को लेकर आम जनता काफी उम्मीदें लगाए बैठी है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसी 5 चीजें हैं जिनमें बजट 2023-2024 में बदलाव होने की उम्मीद है, तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के यह दूसरा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है। इस वजह से इस बार के टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार टैक्स स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि 5 लाख रुपए से कम आय वाले लोग टैक्स भुगतान के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में 50 आधार अंकों की कटौती की जा सकती है। इससे उम्मीद है कि भारत अपने घाटे को 5.9% तक बनाए रखेगा। करदाताओं को यह भी उम्मीद है कि सरकार मानक कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में मानक छूट की सीमा 50,000 रुपए तक है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की संभावना है। ऐसी बढ़ती लागत और बढ़ती मुद्रास्फीति की वजह से हो सकता है इस बार पूरी संभावना है कि घर खरीदारों के लिए छूट के दायरों को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में होम लोन पर दी गई 2 लाख रुपए तक ब्याज पर करदाता को आयकर में छूट मिलती है। आरबीआई की ओर से ब्याज दर बढ़ने की वजह से कटौती की सीमा बढ़ने की संभावना है। वर्तमान समय में संपत्तियों के कई प्रकार होते हैं और इनके हिसाब से अलग अलग टैक्स की दरें लगाई जाती हैं। इस कारण इस बार के बजट में एक यूनिफॉर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाए जाने की बात कही जा रही है और जो इस सेक्टर में एक दर के साथ आ सकता है। 1 फरवरी की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, देश की तरक्की में सबसे बड़ी भागीदारी निभाने वाले इस वर्ग के उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी वित्त मंत्री की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है, उसकी निगाहें वित्त मंत्री की फाइल पर टिकी हुई हैं। उम्मीद सबसे ज्यादा जमीन लेने और मकान खरीदने पर लोगों की है। मिडिल क्लास अपना घर मकान खरीदने बनाने के लिए लोन लेता है, होम लोन पर ब्याज की मोटी रकम भुगतान करता है, लेकिन जब टैक्स में छूट की बात आती है तो होम लोन पर मामूली सी छूट मिलती है। एक तरफ ब्याज में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण मिडिल क्लास आदमी कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, ऐसे में बजट से उसकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। एक नौकरी करने वाला आम इंसान जो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग करता है, उससे उम्मीद है कि वित्त मंत्री उस पर टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी होगी। टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि वित्त मंत्री 80 CCD की लिमिट बढ़ाएंगी। वही हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पर मौजूदा टैक्स छूट 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की उम्मीद की जा रही है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि क्या क्या खास मिलने वाला है इस बार आम आदमी को, या फिर एक साल फिर ठन ठन गोपाल बने रहना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 44। नमस्कार।